रामशहर पुलिस को ब्रोजा तस्कर गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गत देर रात करीब 2 बजे रामशहर के पास SHO अजीत सिंह के नेतृत्व में रामशहर से गंबर पुल सड़क पर रोजाना की तरह नाका लगाए रखा था। गंबर पुल की ओर से आ रहे ट्रक की चेकिंग के लिए रोका गया तो ट्रक से चेकिंग के दौरान 450 टीन बिरोजे के पाए गए, जिसे अवैध रूप से पंजाब में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। अजीत सिंह SHO रामशहर ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना की तरह देर रात नाका लगाया हुआ था और गंबर पुल की ओर से आ रहे ट्रक को चेकिंग के लिए रोका तो ट्रक की चेकिंग के दौरान पाया गया कि ट्रक में अवैध ब्रोजा भरा गया है और ये ब्रोजा मंडी हिमाचल से अवैध रूप से ले जाकर पंजाब में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ब्रोजा गिरोह के 2 सदस्यों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी की जा रही है। रात 2:10 के करीब हमने ना गंबर पुल के नजदीक एक नाका लगाया हुआ था गुप्त सूचना के आधार पर, तो एक ट्रक आया जिसमें 2 आदमी व्यक्ति बैठे हुए थे जो कि मंडी मझवार से पंजाब की तरफ ब्रोजा ले जा रहे थे और 450 ब्रोजे के उसमें पाए गए। 2 व्यक्ति उसमें को गिरफ्तार किया गया है और उनको नाम पंजीकृत करके 23 आदमी पर उसमें और कौन कौन से लोग हैं ये बाद में पता चलेगा। सर कहां के रहने वाले आरोपी कहां के? आरोपी सुहागढ़ के रहने वाले हैं जिन्हें पहले गिरफ्तार रहा है। दूसरी तरफ गिरफ्तार किया इसको? हाँ उसको दूसरी बार।